हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। सो नाउ, पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था ट्रायल के बारे में, जो ख़त्म कहां पर होता है, जजमेंट। जजमेंट आने के बाद क्या होगा, व्हाट आफ्टर जजमेंट। जजमेंट का चैप्टर 353 से 365 सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया हुआ है। क्लियर। जजमेंट प्रोनाउंस करने के तीन मेथड होते हैं, या तो पूरी ही जजमेंट ओपन कोर्ट में दी जाए और साथ ही साथ लिखवाकर साइन किया जाए, या फिर ऑपरेटिव पार्ट को पढ़ के सुनाया जाए। क्लियर। पहले से जजमेंट को तैयार करके लाया जाए और उसे सिर्फ पढ़ के सुनाया जाए, और थर्ड तरीका है सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट को पढ़ के सुनाया जाए, हर पेज पर साइन हो जाए। क्लियर। सो देयर थ्री मेथड्स। तो जजमेंट में क्या क्या होता है, केस का नाम भी होगा, पार्टीज होगा, रीजनिंग होगी, एवरीथिंग विल बी गिवन। अब इसके बाद क्या होगा, या तो इस जजमेंट की हो जाएगी एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन सीआरपीसी में एग्जीक्यूशन को लेके एक डिटेल्ड चैप्टर आपको दिया गया है कि व्हाट एग्जैक्टली इज एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कई प्रकार की होती है, जैसे कि अगर डेथ पेनल्टी है तो आपको कंफर्मेशन, देखिए डेथ पेनल्टी कौन अवार्ड करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन अवार्ड करेगा, और जब तक कन्फर्मेशन फ्रॉम द हाई कोर्ट नहीं होगी तब तक उसको इम्प्लीमेंट यानी कि एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। और एग्जीक्यूशन मैं बता देता हूँ, इट इज़ गिवन इन चैप्टर 32 सेक्शन 413 to 435। 413 से स्टार्ट हो जाता है चैप्टर ऑफ एग्जीक्यूशन, और 413 से लेके 435 तक चलता है चैप्टर ऑफ एग्जीक्यूशन, चैप्टर 32 ऑफ सीआरपीसी। इसमें बेसिक पार्ट्स क्या हैं, अगर इम्प्रिजनमेंट है तो उसे कैसे एग्जीक्यूशन करना है, उसे क्या रूल्स होंगे, ठीक है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट पहले होगी या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट पहले होगी, क्योंकि कभी भी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट लाइफ में नहीं हो सकती, समझ में आया। तो क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स एंड ऑफ लाइफ इन जेल, हाउ कैन यू अवार्ड अनलिमिटेड रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, ध्यान रहे, ठीक है। और फिर ये सब रूल्स, इसमें बेसिकली तीन चीज़ें आ जाती हैं, डेथ पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट और फाइन, इनके मेथड्स। क्लियर। और फिर अगली चीज़ हो सकती है अपील। व्हाट एग्जैक्टली इज अपील, अपील क्या चीज़ है। चैप्टर 29 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डील्स विद अपील्स, ठीक है। अपील्स कई प्रकार की होती हैं, जैसे पहली जो अपील है वो है अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, ठीक है। अपील कैन बी अगेंस्ट कन्विक्शन, जहां पर एक इंसान को कन्विक्ट कर दिया पर वो हायर लेवल कोर्ट में जाकर कहता है कि ये कन्विक्शन मेरी ठीक नहीं है, इसको सेट असाइड किया जाए, या फिर होगा अपील अगेंस्ट एडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस। ये सज़ा तो हुई है पर जितनी सज़ा हुई है वो कम हुई है। क्लियर। और फिर आता है अपील अगेंस्ट एक्विटल कि जिसका एक्विटल हुआ है उसके खिलाफ स्टेट या फिर कंप्लेनेंट विक्टिम, वो लोग एक्विटल को चैलेंज करते हैं, या फिर अपील अगेंस्ट सिक्योरिटी। मैंने पिछले सेशंस में बताया था कि सिक्योरिटी प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, ठीक है, जहां पर अपराध होने से पहले ही एक इंसान को अरेस्ट करके उसे पूछा जा सकता है व्हाई यू शुड नॉट बी आस्क्ड टू डिपॉजिट सिक्योरिटी। क्लियर। तो अगर ऐसा ऑर्डर दिया गया सिक्योरिटी डिपॉजिट कराने के लिए ऑर्डर दिया गया है तो उसके खिलाफ भी अपील हो सकती है। क्लियर। और ये मेन चार तरह की अपील्स होती हैं, और ध्यान रहे रूल ये है, रूल इज नॉट अपील, रूल इज नो अपील। इसका क्या मतलब है, देयर इज अ
रूल इन फेवर ऑफ फाइनलिटी ऑफ जजमेंट, कि जो जजमेंट आ गई वो फाइनल है. बट इफ इट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द कोड दैट इन दिस सिचुएशन यू कैन फाइल एन अपील, ओनली देन यू कैन फाइल एन अपील. अपील इज नॉट अलाउड एक्सेप्ट व्हेन एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड. और जहां अपील नहीं होती वहां फिर क्या होता है? रिविजन. सेक्शंस कौन से हैं? 397 से 401. और इन अपील्स के भी सेक्शंस आपको पता होने चाहिए. अपील अगेंस्ट कन्विक्शन 374 में है. क्लियर? इसमें भी आगे बाइफर्केशन है. अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, सॉरी अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ हाई कोर्ट. कब आप सुप्रीम कोर्ट में अपील डालेंगे, कब आप हाई कोर्ट में अपील डालेंगे और कब आप कोर्ट ऑफ सेशन में अपील डालेंगे. ये तीन मेन इसकी बाइफर्केशन बनती है अपील अगेंस्ट कन्विक्शन की. और बेसिकली डील होता है किसमें? सेक्शन 374. इसको फर्दर डिवाइड करते हैं कहाँ अपील होगी कहाँ नहीं होगी. पेटी ऑफेंसेस में अपील नहीं होती. ठीक है, अगर एक इंसान गिल्टी प्लीड करता है उसकी वजह से कन्विक्शन होती है तभी अपील नहीं होती, मगर इसकी भी एक्सेप्शंस हैं. फिर अपील अगेंस्ट इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस, अपील अगेंस्ट इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस सेक्शन 377. और अपील अगेंस्ट एक्विटल सेक्शन 378. अपील अगेंस्ट सिक्योरिटी सेक्शन 373. दिस इज चैप्टर 29 ऑफ अपील्स. फिर अगर हम स्टडी करते हैं सिविल प्रोसीजर कोड को तो उसमें क्या आता है? अपील रेफरेंस रिव्यू रिविजन. अपील रेफरेंस रिव्यू एंड रिविजन. तो अब दो चीजें बचती हैं, रेफरेंस और रिविजन. व्हाट इज रेफरेंस इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड गिवन इन सेक्शन 395 to 396? व्हाट एग्जैक्टली इज रेफरेंस? जब एक केस चल रहा हो उस समय पर अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ पैदा हो जाए जहां पर लॉ पॉइंट क्लियर नहीं है, क्लियर, तो वहां पर एक जुडिशियल ऑफिसर हाई कोर्ट से पूछ सकता है कि आप इसमें लॉ पॉइंट को क्लियर करें. जब उसके पास कोई कारण है ये बताने की कि क्यों वो मानता है अ सेड रूल, सब रूल, प्रोविजन, बाईलॉ, ऑर्डिनेंस, अगर कोई ऐसा लॉ है जिसको लेकर एक जुडिशियल ऑफिसर को लगता है इट इज नो मोर वैलिड बट इट हैज नॉट बीन इनवैलिडेटेड, इट हैज नॉट बीन स्ट्रक डाउन एक्सप्लिसिटली बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टिल डेट, इफ ही हैज रीजन टू बिलीव दैट दिस लॉ इज नॉट वैलिड, तो अपना क्वेश्चन ऑफ लॉ एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट पूछ सकता है किससे? हाई कोर्ट से. और फिर जो हाई कोर्ट का फैसला आएगा उस वो बाध्य होगा, बाउंड होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट उससे, उसको उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा. कहाँ लिखा है ये? 395 396. फिर आता है रेफरेंस, फिर आता है रिव्यू, सॉरी अपील रेफरेंस रिव्यू रिविजन सीपीसी में होता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इज रिव्यू. व्हाट एग्जैक्टली इज रिव्यू पहले समझें. जैसे सिविल केसेस में जो जज एक जजमेंट प्रोनाउंस करता है वो खुद अपने ही जजमेंट को चेंज भी कर सकता है इन सिविल केसेस. तो अपील हायर कोर्ट, हाई लेवल कोर्ट, उस कोर्ट से हाई लेवल कोर्ट एक केस के फैसले को उलट सकती है अपील में. सेम कोर्ट उलट सकती है रिव्यू में, जो कि कहाँ दिया हुआ है? सिविल प्रोसीजर कोड में. इज देयर एनी प्रोविजन रिलेटेड टू रिव्यू इन सीआरपीसी? यस, रिव्यू कहाँ दिया है? वैसे अगर आप जनरली किसी से बात करेंगे तो वो कहेगा सीआरपीसी में नो रिव्यू, क्रिमिनल केसेस में कभी रिव्यू नहीं होता. क्यों? सेक्शन 362 कहता है कोर्ट नॉट टू ऑल्टर जजमेंट. लेकिन क्लेरिकल और अर्थमेटिकल एरर, जैसे कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, अर्थमेटिकल एरर हो गई है, उसको एक मजिस्ट्रेट
खुद अपने ही जजमेंट को चेंज कर सकता है, इससे बड़ी चेंजेस वो नहीं कर सकता। ऑल टुगेदर एक्विटल और कन्विक्शन या कन्विक्शन को एक्विटल एक मजिस्ट्रेट खुद नहीं कर सकता। क्लियर? सो नो रिव्यू इन क्रिमिनल केसेस, ओनली लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ रिव्यू इज अलाउड, दैट इज टू रिमूव क्लैरिकल मिस्टेक्स, अर्थमेटिकल मिस्टेक्स, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, टाइपिंग एरर्स। ओके, सो दिस इज अपील, रेफरेंस, रिव्यू, रिविजन, एग्जीक्यूशन रिलेटेड टू क्रिमिनल केसेस आफ्टर जजमेंट। फाइन, आई होप आपको समझ में आ गया है।